आस्था की भव्य तस्वीरें निकल कर आ रही हैं देवघर की, जहां बाबा बैजनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, पूजन किए। तमिलनाडु के शिवगंगा में 17 सालों बाद स्वर्ण मूर्तिश्वर मंदिर रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग रथ खींचते नजर आए। इस मौके पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। हिमाचल में लोसर उत्सव की रौनक है। उत्सव के दूसरे दिन लोग नाचते गाते हुए नजर आए। ये उत्सव 15 दिनों तक चलेगा। लद्दाखी नए साल के रूप में लोसर उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में 15 दिनों तक देवी देवताओं की पूजा होती है। कर्नाटक के मैंगलुरु में 2 दिवसीय पतंग उत्सव का शानदार समापन हुआ। रंग बिरंगी पतंगे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं कार्टून कलाकारों की पतंगों ने बच्चों को लुभाया। पतंग उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रामगढ़ की चामी मुर्मू 30 लाख पौधे लगाने वाली महिला है, जिन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है। चामी मुर्मू महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल है। चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा ने किया। उस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लिया। अहमदाबाद में रेसिंग लीग का आगाज हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। बड़ी संख्या में लोगों ने रेसिंग में हिस्सा लिया। रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन हुआ और इसमें करीब 8,000 प्रतिभागियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पंजाब में ट्रैफिक के नए नियम लागू हो चुके हैं। इसके तहत 4 पहिया वाहन में भी पीछे के सीट पर अब आपको सीट बेल्ट लगाना होगा। नए नियम के बारे में पुलिस लोगों को लगातार जानकारी दे रही है। लोगों को नए नियम का पालन करने के आदेश दिए जा रहे हैं।